Hello students, I hope you all are well at home. Today, I am present here for Hindi first revision. बच्चों, आज हमारा पाठ है पाठ 4 दुर्योधन का अभिमान. इसका हमें रिवीजन करना है और इसका रिवीजन करने के लिए पहले हम पाठ का सारांश समझ लें. अब इस पाठ के सारांश में, इस पाठ में जितने भी चरित्र हैं उनके बारे में देख लीजिए. कौन कौन है? श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, विदुर, पांडव, कौरव, भीष्म पितामह और भी कई लोग हैं, लेकिन जो मुख्य चरित्र है, मुख्य पात्र यही है. अब हमें देखना है कि दुर्योधन का अभिमान पाठ में क्या हुआ था. दुर्योधन का अभिमान एक ऐसी कहानी है कि जिसमें श्री कृष्ण कौरवों के पास पांडवों से संधि करने के लिए जाते हैं. एक बार जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो सभी लोग बहुत खुश हो गए और उसके बाद वहां पहुंचने पर नगरवासियों ने श्री कृष्ण का स्वागत किया और महाराज धृतराज अपने पुत्र दुर्योधन और दुशासन के साथ उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे. जब और उन्होंने श्री कृष्ण के सम्मान में बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया. कौरवों ने बहुत आग्रह किया लेकिन श्री कृष्ण उनके यहाँ नहीं ठहरे. वे अपनी बुआ कुंती के यहाँ, वे विदुर के यहाँ चले गए. वे विदुर के यहाँ गए और वहां जाकर बुआ कुंती से मुलाकात की और जब वो बुआ कुंती के यहाँ पहुंचे तो उसके बाद फिर वहां पर उन्होंने कौरवों के साथ युद्ध ना करने और संधि के बारे में बात की और उसके बाद दूसरे दिन उन्हें कौरवों की सभा में जाना था. जब श्री कृष्ण कौरवों की सभा में पहुंचे तब श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि कर कौरव लोग ये समझ गए. कौरवों को यह आभास हो चुका था कि श्री कृष्ण पांडवों से संधि करने के लिए ही हमारी सभा में आए हैं और फिर लेकिन कौरव किसी भी शर्त पर संधि नहीं करना चाहते थे. श्री कृष्ण की शक्ति से भी वो अच्छी तरह से परिचित थे और दुर्योधन ने अपने साथियों से परामर्श करके ये निश्चय कर लिया था कि हम श्री कृष्ण को बांध कर कैद कर लेंगे. लेकिन श्री कृष्ण बड़े गंभीर भाव से कौरवों की सभा में पहुंच गए और उनके मुख पर अद्भुत तेज था. उन्हें उचित आसन पर बिठाया गया. सभा में कई लोग मौजूद थे. भीष्म पितामह, द्रोण, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, कर्ण, शकुनी और कई लोग वहां पर, कई योद्धा मौजूद थे. श्री कृष्ण ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कौरव और पांडव दोनों एक ही कुल में पैदा हुए हैं और दोनों ही हमारे मित्र हैं. अगर हम युद्ध करते हैं, अगर आप लोग युद्ध करेंगे तो क्षत्रियों का नाश हो जाएगा और युद्ध करना सही नहीं है. हमें युद्ध नहीं करना चाहिए और कौरव केवल आधा राज चाहते हैं और उन्हें वो आधा राज लेकर शांतिपूर्ण पूर्वक रहना चाहते हैं. लेकिन जब श्री कृष्ण ने ये बात रखी तो सभी ने इस बात का स्वागत किया. केवल दुर्योधन गुस्सा आ गया. दुर्योधन बौखला उठा और उसने कृष्ण को बांधने का आदेश दे दिया. दुशासन आदि श्री कृष्ण को बांधने के लिए उठे और जब आगे बढ़े तो भीष्म पितामह ये दृश्य देखकर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने सबको इस नीचतापूर्ण कार्य के लिए डांटा. उस समय श्री कृष्ण के मुखमंडल पर अभूतपूर्व तेज विद्यमान था जिसे देखकर कौरव भयभीत हो उठे. दुर्योधन ने बड़े अपमान भरे शब्दों में कहा कि कृष्ण पांडवों की प्रशंसा कर रहे हैं और हमारी निंदा कर रहे हैं. वे दूत का कार्य नहीं कर रहे हैं, वे हस्तिनापुर के लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं. ये वो सही काम नहीं कर रहे हैं और हम किसी भी तरह संधि नहीं कर सकते. हम सिर्फ युद्ध करना चाहते हैं और मुझे कृष्ण की बात मंजूर नहीं है और राज के वास्तविक अधिकारी मेरे पिता धृतराष्ट्र थे, लेकिन अंधे होने के कारण पांडु को राजभार सौंपा गया था और मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र हूँ. मैं तो अंधा नहीं हूँ, फिर राज युधिष्ठिर का कैसे हुआ और मुझे कृष्ण की बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है. कर्ण, दुशासन, शकुनी आदि ने दुर्योधन के कथन का समर्थन किया.
कुछ देर शांत रहकर कृष्ण ने कहा कि अगर दुर्योधन आधा राज नहीं देना चाहते तो केवल उनकी आजीविका चलाने के लिए 5 राज्य ही दे दे, लेकिन और उसके बाद वे युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन दुर्योधन ने उत्तर दिया कि 5 गांव तो बहुत अधिक हैं, मैं बिना युद्ध किए एक सुई की नोक के बराबर भी उन्हें कुछ नहीं दूंगा। और जब ऐसा कहा तो और ये सब कहने के बाद दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बहुत बुरा भला कहा और श्री कृष्ण को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो क्रोधित हो गए। और उन्होंने कहा, ये कहते हुए वो तेजी से उठकर उनकी सभा से चले गए कि दुर्योधन तेरा नाश निश्चित है। ये कहानी थी कि जिसका शीर्षक था दुर्योधन का अभिमान। अभिमान का अर्थ होता है घमंड। अब हम देख लेते हैं शब्द अर्थ। सर्वत्र का अर्थ है सब जगह, आग्रह का अर्थ है निवेदन, हितकर का अर्थ है लाभकारी, समारोह का अर्थ है उत्सव, आदेश का अर्थ है आज्ञा, पक्ष का अर्थ है ओर, स्वागत का अर्थ है अभिनंदन, अपमान का अर्थ होता है बेइज्जती, लज्जा का अर्थ होता है शर्म, ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा। और उसके बाद है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। हस्तिनापुर में किसके पहुंचते ही सर्वत्र प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सर्वत्र का अर्थ होता है सब जगह। किसके पहुंचने पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई? श्री कृष्ण, बलराम, धृतराष्ट्र या दुर्योधन। तो अभी हमने पढ़ा है कि श्री कृष्ण के पहुंचते ही प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। दूसरा है धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम था? शकुनी, कर्ण, दुशासन या दुर्योधन। तो उसका उत्तर हो जाएगा दुर्योधन। सभा में कौन कौन उपस्थित थे? भीष्म, पितामह, द्रोण, कृपाचार्य की ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। भीष्म, पितामह भी थे सभा में, द्रोण भी थे और कृपाचार्य भी उपस्थित थे। ये किसने कहा कि दुर्योधन तेरा नाश निश्चित है? ये किसने कहा था? कृपाचार्य ने, दुशासन ने, श्री कृष्ण ने या फिर शकुनी ने? तो अभी हमने कहानी में पढ़ा है कि श्री कृष्ण ये कहते हुए बाहर चले गए थे कि दुर्योधन तेरा नाश निश्चित है। तो ये बात किसने कही थी? श्री कृष्ण ने कही थी। अब हमारी जो अगला अभ्यास है हमारा वो है वाक्य बनाइए। अपमान, अपमान का अर्थ होता है बेइज्जती। हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। विद्यमान का अर्थ होता है उपस्थित होना। ईश्वर सब जगह विद्यमान है। परिचय का अगर हम वाक्य प्रयोग बनाए तो क्या हो सकता है? सभी बच्चों ने अपना परिचय दिया। अब इसके बाद हम प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। श्री कृष्ण किसके यहाँ ठहरे? श्री कृष्ण किसके यहाँ ठहरे? तो हमने कहानी में पढ़ा था कि श्री कृष्ण कौरवों के रोकने पे वहां नहीं रुके थे और कहाँ चले गए थे? विदुर के यहाँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि श्री कृष्ण विदुर के यहाँ ठहरे। दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में क्या कहा? तो क्या कहा था? श्री कृष्ण ने कहा था कि कौरव और पांडव दोनों एक ही कुल में पैदा हुए हैं और दोनों ही हमारे मित्र हैं और युद्ध करने से क्षत्रियों का नाश हो जाएगा, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहिए। फिर तीसरा प्रश्न है कि भीष्म पितामह क्यों क्रोधित हो उठे, क्यों क्रोधित हो गए थे? जब दुर्योधन के आदेश पर, जब दुर्योधन ने आदेश दिया था कि श्री कृष्ण को कैद कर लिया जाए, बांध लिया जाए, तब भीष्म पितामह क्रोधित हो गए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जब दुर्योधन के आदेश से दुशासन आदि श्री कृष्ण को बांधने के लिए आगे बढ़े तो भीष्म पितामह क्रोधित हो उठे। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा और रिवीजन करवाने से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब आप जो टेस्ट देंगे वो बहुत ही ईमानदारी से देंगे।